Hello friends, this is Sangam Foria. Welcome back to my channel Farm Recipe. Friends, in this video I'm going to talk about Isomac D40 capsule. So friends, without wasting any more time, we should start the video. इस वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self-medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Isomac D40 कैप्सूल। फ्रेंड्स, Isomac D40 एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि आपके पेट में अगर एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला शेड्यूल एच कैटेगरी, तो शेड्यूल एच कहने का अर्थ हो रहा है कि इसे खरीदने के लिए आपको डॉक्टर की पर्चे की जरूरत पड़ेगी। और यह जो मेडिसिन होता है, यह जो कैप्सूल होता है, वो सस्टेन रिलीज में होता है, मतलब धीरे धीरे रिलीज होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने स्टम का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं ताकि आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आए। डियर व्यूअर्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, कोई भी वैसा मेडिसिन जो स्टोमक में या इंटेस्टाइन में क्या करता हो, एसिड लेवल को कम करने का काम करता हो, मतलब गैस फॉर्मेशन को रिड्यूस करने का काम करता हो, वैसे सारे मेडिसिन को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी क्या होता है। तो सिंपली समझिए, जो गैस को, ठीक है, कम करने का काम करे, गैस फॉर्मेशन को रिड्यूस करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर हर एक चीज़ों को ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स पाए जाते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 190 रुपये से लेकर 200 रुपये के आसपास होता है, और उतने में अवेलेबल हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या करते रहता है, वैरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स पाए जाते हैं, और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। बेसिकली ये जो Isomac D40 आप देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाते हैं। फ्रेंड्स, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। नंबर वन है Isomeprazole 30 मिलीग्राम पाया था, उसके बाद डोमपेरिडोन इसमें 40 मिलीग्राम पाया था। Isomeprazole, डोमपेरिडोन, मतलब Isomeprazole इसमें पाया था 30 मिलीग्राम और डोमपेरिडोन इसमें पाया था 40 मिलीग्राम। ये दोनों मिलकर क्या करता है, ये दोनों मिलकर हाइपर एसिडिटी को ठीक करने का काम करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। नंबर वन है Isomeprazole और दूसरा है डोमपेरिडोन, कितना 40 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम दोनों पाया जाता है। मतलब Isomeprazole इसमें 30 मिलीग्राम पाया था और डोमपेरिडोन इसमें 40 मिलीग्राम पाया था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन डिजीज में इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट का इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन का यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स, नंबर वन है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, कि अगर किसी व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा गैस बन रहा है, ठीक है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शनल डिस्पेप्सिया, कि अगर किसी व्यक्ति को फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो, फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहने का अर्थ हो रहा है कि स्टोमक का अपसेट हो जाना, पेट का गड़बड़ होना विदाउट एनी कॉज, बिना किसी कारण को, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। या ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस, कि अगर किसी को गैस्ट्राइटिस के कारण इन्फ्लामेशन हो रहा है, जलन हो रहा है इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एसिड रिफ्लक्स,
कि अगर किसी व्यक्ति का एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण सीने में जलन होगा, या तो इसे आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हार्ट बर्न बोल सकते हो, ठीक है, सीने में गला वाला में सब जलन होना, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जी ई आर डी कहने का गैस्ट्रो इजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहने का अर्थ हो रहा है कि हमारा जो फूड पाइप है, ठीक है, तो उसमें एसिड का लेवल ऊपर आ जाता है। मतलब जैसे भोजन हम लेते हैं, जो फूड पाइप होता है, भोजन नली, आहार नली जिसको बोलते हैं, उसमें भी जो एसिड होता है वो ऊपर की ओर आने लगता है, इससे हमारे गले उले सीने में सब में जलन होने, दर्द होने लगता है। तो जी ई आर डी को भी ठीक करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टेंडेड एब्डोमेन, कि अगर गैस एक्सेसिव फॉर्म में ज्यादा बना हुआ तो पेट फूल जाएगा, ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमक पेन, कि कभी कभी गैस बन जाने के कारण, ठीक है, पेट दर्द होना लगता है, ठीक है, उसमें संकुचन वगैरह आया, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, कि अगर गैस बनने का उल्टी लेखा मन कर रहा है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें डोमपेरिडोन मिला होता जो कहीं ना कहीं वॉमिटिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेनली इसका यूसेज देखा जाए तो मेनली यूसेज जो होता है बेसिकली, ठीक है, वो होता है, समझिए कि आपको गैस फॉर्मेशन मतलब हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करे, और साथ ही साथ जो वॉमिटिंग होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, कि गैस बनने के कारण जो परेशानी होती है उसको ठीक करने का ये काम करेगा। तो हालांकि मैंने इसकी यूसेज डिटेलिंग करके आपको बता दिया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे सर कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, माँ बनने वाली है, फैमिली वे में है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। इस बात को याद है, क्योंकि डॉक्टर है डिसाइड करने के बाद सुटेबल डोज। फ्रेंड्स, ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन है। इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको एडमिनिस्टर नहीं करना, उस पेशेंट को आपको यह दवा नहीं देना है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा होंगे। फ्रेंड्स, चलिए आप बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर वन है ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है वो सूखा सूखा होने लगेगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर दर्द भी करेगा। फिर कहते हैं डायरिया, हो सके आपका जो है स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाए। फिर स्टोमक पेन, हो सके कभी कभी आपको स्टोमक पेन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, ठीक है, आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे ब्रांड को चूज करेंगे या प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ और यूसेज जो मैं मिस कर गया हूँ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, होता है कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, कि इसका इस्तेमाल कभी कभी ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर पेप्टिक अल्सर हो गया, ठीक है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं, ठीक है, या तो आप कह सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग को भी ठीक करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये ब्लॉटिंग कहने का मतलब कोई चीज खाना खाया लग रहा है कि सीने पर चढ़ा जा रहा है, मतलब पूरी तरह से जो है डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों मैंने ट्रीटमेंट बताया, ठीक है, मैं वहां पे ऐड कर दूंगा, वीडियो में आप देख लीजिए, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन ये जानकारी आपको थोड़ा देर से मिली, इसके लिए आपको माइंड नहीं करना, ठीक है, कभी कभी दिमाग से स्लिप कर जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रीटमेंट भी आपको समझ में आ गए होंगे, कि ये दोनों ट्रीटमेंट को भी वहाँ ऐड करना पड़ेगा हमको, ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर और ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉटिंग, ठीक है, वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कहाँ का इसका इस्तेमाल किया तो उस जगह पे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए आप बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन यह यहाँ जो मैं डोज बताने वाला हूँ वो मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिसकी उम्र 18 प्लस है, ठीक है, 20 प्लस है उसके लिए। 1:ODES एम्प्टी स्टोमक बिफोर ब्रेकफास्ट, आप कह सकते हो कि एक कैप्सूल रोज खाना है लेकिन खाना खाने के पहले। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इसोमैक D40 कैप्सूल क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आप लोग को, और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग,
हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का. थैंक यू, धन्यवाद.